वेलकम टू लजीज किचन। आज हम बना रहे हैं चिकन स्कीवर्स। चलिए आइए देखते हैं हमें किस तरह इसे बनाना है। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इफ्तार के टाइम रमज़ान में बनाकर खाएं तो बात ही कुछ और है। इसको बनाने के लिए हमें लेना आधा किलो चिकन। इसमें डालेंगे हम पाव चम्मच हल्दी, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, पाव चम्मच गरम मसाला पाउडर, तीन से चार चुटकी टेस्टिंग पाउडर। ये ऑप्शनल है, बिल्कुल चाहे तो आप डालिए चाहे तो ना डालिए। नेक्स्ट हम डालेंगे आधा चम्मच सोया सॉस, चार पांच कली लहसुन और दो तीन हरी मिर्च कूट के डाल रही हूँ मैं धर-धरा सा इसमें। ये देखिए इस तरह सा ये कूटा गया है। अब मैं इसको चिकन में डालूँगी। नेक्स्ट मैं डालूँगी आधा चम्मच नींबू, एक चम्मच टमाटो केचप डालूँगी मैं इसमें, हाफ कप मैदा डालूँगी, डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। इसको मिक्स होने के बाद मैं दो घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी इसे मैरिनेट होने के लिए। स्कीवर्स में मैं इसे लगा कर रेडी कर चुकी हूँ फ्राई करने के लिए। यह है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स में मैं इसे इस तरह से प्रेस करके रख लूँगी। सारे स्कीवर्स को रेडी करके इसी तरह से रख लेना है हमें। ये देखिए रेडी है ये फ्राई करने के लिए। अभी इधर कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। अब एक एक करके सारे स्कीवर्स में तलूंगी। मीडियम फ्लेम पे हमें तलना है इसे। इसे ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं तलना है, इसे लाइट ब्राउन रखना है। ये देखिए सेकंड बैच भी डाल रही हूँ मैं। चलिए ये बनकर तैयार हो गए हैं अभी। ये टमाटो केचप और मायोनीज के साथ बहुत ही लजीज लगते हैं खाने में। एक बार आप इसे ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल पर जो नए हैं एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।